आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कैसे सुधार करते हैं। दोस्तों देखिए, जब पहले क्या होता था, जो व्यक्ति बहुत दिनों पहले किसी कारणवश या फिर जैसे मान लीजिए आधार कार्ड पहले वैसे बनता था, कोई डेट ऑफ बर्थ दे देता था, कुछ भी दे देता था, और वो बाद में अगर मैट्रिक कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट कुछ और डेट ऑफ बर्थ कह रहा है और आधार कार्ड कुछ और कह रहा है और पैन कार्ड कुछ और कह रहा है। तो कहने का मतलब जो हमारा डेट ऑफ बर्थ अगर पूरा पूरा पैन कार्ड पर अगर गलत है तो आप कैसे सुधार कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। जैसे ये आधार कार्ड है तो हम पहले क्या करेंगे, आधार कार्ड को सुधार कर लेंगे मैट्रिक के मार्कशीट से, और फिर आप क्या कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी पैन कार्ड को भी आप जो है मैट्रिक के मार्कशीट से सुधार कर सकते हैं। जैसे ये हमारा मैट्रिक का मार्कशीट का सारा कॉपी है, इस पर जो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप इस पैन कार्ड पर क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और इसे सुधार कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन। डेट ऑफ बर्थ सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी से लॉगिन कर लेना है इस पोर्टल को, यूटीआई पैन का जो है, और उसके बाद आपको देखिए यहाँ रिवन बार में आपको दिख रहा है अप्लाई न्यू पैन, अप्लाई चेंज एंड करप्शन, तो इस वाले पे आना है और यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर चेंज एंड करप्शन इन पैन कार्ड डेटा CSF जो फॉर्म है इसे ओपन करना है। और यहाँ ओपन करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसे ओके करना है। अब मोड की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों फिजिकल मोड और डिजिटल मोड, तो हमें फिजिकल में ही रहने देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पैन नंबर टाइप करना है, पैन नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों फिर से आपको पैन नंबर मांगा जाएगा, फिर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बॉथ पे क्लिक कर लेना, कहने का मतलब आप चाहते हैं कि आपके घर पे भी पैन कार्ड आए और ईमेल पे भी आए, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और फिर यहाँ पे दोस्तों आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने सबमिट किया तो देखिए आपके सामने फिर यहाँ पे ओपन आ गया, खुल गया एक पेज, यहाँ पे पर्सनल डिटेल है आपको, यहाँ पे फिर फादर का पेरेंट डिटेल है, फिर आपको यहाँ पे अदर डिटेल में डेट ऑफ बर्थ है, फिर आपको यहाँ पर जेंडर है, एप्लीकेशन आधार डिटेल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना जो है श्री चूज कर लेना अगर लड़का है, और फिर यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है जो आपके पैन कार्ड, क्योंकि नाम और आपका सारा चीज़ सही है तो यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपके पहले नाम क्या था। फिर यहाँ पे आपको पेरेंट डिटेल, तो दोस्तों होता क्या है जब पेरेंट डिटेल में भी आपको टिक लगाना होता है और आपको इसमें मैट्रिक की मार्कशीट के साथ जो है अटैच करना होगा, जैसे कि सही है फिर भी आपको वहाँ पे जो है कहने का मतलब व्यू फादर नेम फॉर्म ITD यानी कि आपको देना ही होगा। जैसे इसका मान लीजिए पिताजी का नाम सही है फिर भी आपको यहाँ पे क्या करना है, देना है, तब जाकर ही होगा, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है चेक करना है तो देख लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सेम ही है इसका। अब दोस्तों यहाँ पे सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फादर चूज कर लेना है और इसमें दोस्तों आपको एक्स्ट्रा एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। और फिर जब डेट ऑफ बर्थ की बात आए तो हमें डेट ऑफ बर्थ सुधार करनी है, तो इस पर तो नेसेसरी तरीके से हमें क्या करना है, टिक लगाना है और यहाँ पर जो आपका सही सही डेट ऑफ बर्थ है उसे फिल कर देना है, सही सही जो डेट ऑफ बर्थ है चलिए हम वो फिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको जेंडर जो है वो में भी टिक लगा लेना है क्योंकि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। और फिर यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे अपना जो है जो एप्लीकेंट का आधार कार्ड है वो नंबर टाइप करेंगे और फिर यहाँ पे आपको उसका नाम जो आधार कार्ड पे है वो टाइप करना है। और फिर आपको यहाँ पे टाइप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप फादर में भी टिक लगाए हुए थे तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है सबमिट में आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड चलेगा, फिर आपको यहाँ पे देखिए सबमिट एज ऑन फादर नेम प्रूफ, इसमें आपको क्या करना है मैट्रिक का मार्कशीट चूज कर लेना है क्योंकि आपको मैट्रिक का मार्कशीट आपके घर में होगा वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है विच जो डॉक्यूमेंट सबमिट फॉर एड्रेस प्रूफ, इसमें आधार चलेगा, फिर आप डेट ऑफ बर्थ में भी आधार ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पे पैन कॉपी में आपको पैन कार्ड मेरे पास है ही तो यहाँ पे पैन ऑफ कार्ड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले पैन कॉपी दे देंगे। यहाँ पे क्या है कॉपी ऑफ पैन, यहाँ पे देखिए कॉपी ऑफ पैन जो है अलॉकमेंट नंबर है, अलॉकमेंट हमें यहाँ पे क्या करना है पैन कार्ड का कॉपी दे देना है, कॉपी ऑफ पैन कार्ड। और फिर यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। मैक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिए चलिए एडवांस पे क्लिक कर लेते हैं, कभी कभी ये प्रॉब्लम आपके भी पास भी आएगा वैलिड के लिए, चलिए ओके करेंगे, प्राइवेसी के कारण ऐसा होता है। पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली करेंगे कि अपना पासवर्ड डाल के चलिए पहले पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट देखिए सक्सेसफुल हो चुका है, पेमेंट जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा फिर आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। अब ज़्यादा कुछ दोस्तों इसमें है नहीं, जैसे नया पैन कार्ड में दोस्तों ढेर सारे ऑप्शन होते हैं ऐसे इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए चलिए हम एड्रेस में भी टिक लगा देते हैं, इसलिए टिक लगा देते हैं कि आपको एड्रेस जिस एड्रेस पे आपको आना है वो देना है। फिर रेसिडेंटल आ गया, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, वार्ड नंबर जो आपका है चलिए वो वार्ड नंबर यहाँ पे भर लेंगे, वार्ड नंबर, फिर आप अपना वार्ड नंबर भरेंगे, फिर यहाँ पे गांव का नाम भरेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस भरेंगे जो आपका ब्लॉक है वो भरेंगे, फिर यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो भरेंगे, और फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड टाइप कर लेना है। और फिर यहाँ पे पिन कोड देने के बाद
आपको करना क्या है, यहाँ पे भी टिक लगा लेना है, और फिर यहाँ पे टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे इंडिया चूज कर लेना है। चलिए इंडिया चूज करेंगे, और फिर यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन का नंबर, जो यहाँ पे अपना ज़िला का एरिया स्टडी कोड मालूम है तो वो देंगे, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी दे देंगे। तो चलिए पहले हम फिर से फिल कर लेते हैं सब कुछ। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लिया। अब आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, इसे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, इस पर टिक नहीं करना, छोड़ देना है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब देखिए फोटो सिग्नेचर ऑटोमेटिक ले लेता है, आपको फोटो साइन तो आपको चढ़ाना ही है। अब यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे भी टिक करना है, और यहाँ पे पैन कार्ड का जो नंबर है वो फिर से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इसलिए टाइप कर देना है, देखिए दोस्तों ये उस केस के लिए जिसके मान लीजिए 5-10 पैन, 2-3 पैन कार्ड बन गया है तो वहाँ पे केस हो सकता है, इसीलिए आप इसमें टिक कर एक ही पैन कार्ड है तो वही नंबर यहाँ पे फिर से डाल देना है, क्योंकि सेम चीज़ आपको फिर से जो वही पैन कार्ड को हम सुधार कर रहे हैं, और मेरे पास एक ही पैन कार्ड है। अब यहाँ पे जैसे टिक करेंगे, यहाँ कह रहा है प्लीज़ एंटर द पैन कार्ड नंबर, तो यानी कि पैन कार्ड में नंबर में कुछ जो है दोस्तों छूट चुका है। तो चलिए इसे हम पूरा फिर से फिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ सही हो गया है। अब यहाँ पे जैसे आप टिक करेंगे आपका नाम आ जाएगा, हिमसेल्फ यहाँ रहने देना है। अब यहाँ पे ओनली वन चूज कर लेना है, यानी कि कह रहा है कि आपके पास कितना जो है पैन कार्ड है तो एक ही है। प्लेस आपको यहाँ पे जो आप चाहें वो दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने ज़िला का नाम हम दे देते हैं, और फिर यहाँ पे डेट वही रहने देना है, और फिर सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सारा चीज़ देखिए सही हो चुका है। अभी आपका जो है रिसीविंग हो चुका है एप्लीकेशन का, जो आपने स्लिप ये हो गया आपका। अब इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये हो चुका। अब यहाँ पे हम डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। चलिए फॉर्म डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे दोनों जगह फोटो चिपका के आपको क्या करना है, इसे स्कैन कर लेना है यहाँ पे साइन करके, जैसे ये हमने कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए हमने फ़ोटो चिपका लिया है, साइन करा लिया है हर जगह, और उसके साथ जैसे कि हमने आपको बताया आधार कार्ड हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए, और पिताजी का नाम जो ऑटोमेटिक लेता है उसके लिए मैट्रिक की मार्कशीट, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा पैन कॉपी, ये सभी चीज़ को स्कैन करके हम क्या करेंगे, इसे रख लेंगे। और फिर यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए चेंज करेक्शन वाले में ही आएंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स वाले में डॉक्यूमेंट अपलोड है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जिस व्यक्ति का हम बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है, आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। उसमें उसके लिए आपको क्या करना है, जो दोस्तों आपको अलग अलग से साइज मिलाना पड़ेगा, जिसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे दोनों के लिए एक ही साथ में आपको कि कैसे अपलोड करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम क्रॉप कटिंग के ऑप्शन का यूज करेंगे, इसमें आएंगे और यहाँ पर देखिए चूज फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आपका फाइल है उसे चूज कर लीजिए, और फिर यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक कर लीजिए। चलिए फिर से हम करते हैं, यहाँ पे आएंगे और चूज फाइल कर लेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल का एक ऑप्शन है, अपलोड पीडीएफ फाइल, इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे सभी पेजेज जो हैं, तीन पेज जैसे होता है, तो इस केस में तो दोस्तों सुधार वाला है, इसमें ज़्यादा पेजेस हैं, तो ये सभी थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपके सामने नीचे सभी पेजेस जो है अपलोड हो जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों ये अपलोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्लिक ऑन इमेज टू क्रॉप पिक्चर एंड सिग्नेचर, यानी कहने का मतलब आप जो ये अपलोड हो रहा है, ये जो फाइल आप यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है, इसमें से आप पिक्चर और जो है सिग्नेचर को क्रॉप कीजिए। तो चलिए पहले पूरा हो जाने देते हैं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका इमेज और सिग्नेचर का जो है जो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी पहले सबसे पहले आपको करने का यहाँ पे क्लिक करना है इस पिक्चर पे, इस वाले पे जिसमें फ़ोटो है, और यहाँ पे आएंगे और जितना भी आपको फ़ोटो अपलोड करना है, ये देखिए क्रॉप का एक तीर बन चुका है, इसे आपको सिंपली यहाँ से ऐसे कर लेना है, और फिर जैसे ही इसे ऐसे करेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए क्रॉप इमेज का ऑप्शन है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इमेज आ चुका है। जस्ट उसी प्रकार सिग्नेचर वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे पैन कार्ड पे मेरा सिग्नेचर किया हुआ है, और यहाँ पे आएंगे और इस सिग्नेचर को हम यहाँ से ऐसे क्रॉप करेंगे, और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए क्रॉप का ऊपर भी ऑप्शन है और नीचे भी, तो कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ आ चुका है। अब यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि खींचेंगे स्क्रॉल करेंगे ऐसे ऐसे इमेज पे क्लिक करेंगे और घींच के इसमें ला के छोड़ देंगे, फिर इस पर भी ऐसे दबा के रखेंगे और नीचे ला के छोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वेल डन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर, इतना कहने का मतलब आपका जो है सारा चीज़ अपलोड हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे आएंगे देखिए यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन से ही हट चुका है, यानी कहने का मतलब ये अपलोड होना जो है अपलोड हो चुका है, सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरे तरीके से पैन कार्ड को बना सकते हैं, किस प्रकार से आप सुधार, डेट ऑफ बर्थ सुधार किया, हमने आपको पूरी तरीके से सही जानकारी दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर परिवार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद।